सोलो फेस्टिवल का टू माइक चैनल। सो मैं ना इसी के साथ आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि ओयो पर कैसे आप होटल्स कैंसिल करें, कैसे रूम कैंसिल करें। दोस्तों इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं। दोस्तों अगर अगर ओयो पर आपने होटल्स या रूम से बुक कर दिया, अगर आपको कैंसिल करना नहीं आता है, दोस्तों इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कैसे कैंसिल कर सकते हैं। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि अगर आप होटल्स या रूम्स या जो भी बुक कर देते हैं तो आपका प्लान कैंसिल हो जाता है, आपको जाना नहीं पड़ता है, जो कि आपका मतलब कि मन नहीं होता है या प्लान कैंसिल होता है अदरवाइज, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। क्योंकि कैसे कैंसिल करना है चलिए दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा। अगर दोस्तों आप कैंसिल कर देंगे तो वो मतलब जिसका होटल है या रूम है वो किसी और दूसरों को भी दे सकता है, तो अगर ये सिक्योरिटी आप कर देते तो सही है, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए इस वीडियो में बताऊंगा कैसे कैंसिल कर सकते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन होगा प्लीज़ उसे टच कर दीजिएगा, बराबर में एक नोटिफिकेशन बेल आनी घंटी के निशान से टच करके ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, तो सब्सक्राइब करें तो ऑल पर जरूर क्लिक करें। तो यहाँ पर कैंसिल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा एप्लीकेशन में, तो यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने ऑर्डर कर लिया था मतलब रूम बुक कर लिया था, तो यहाँ पर मुझे नहीं जाना था, तो कैंसिल करना है तो कैसे करेंगे ये भी बताऊँगा। तो कैंसिल करने के लिए आपको सिंपली एप्लीकेशन ओपन होगा कुछ इस तरह आपको दिखेगा, तो कैंसिल करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक बुकिंग का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली बुकिंग पर करना है क्लिक। ठीक है, यहाँ पर आपको एक बुकिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, तीसरे नंबर पर क्लिक कीजिए। ठीक है, अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने कब कब कहाँ कहाँ बुक किया है, आपने बुक किया है तो यूज किया है या नहीं, सारे डिटेल्स यहाँ पर दिख जाएगा आपको। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर ऑर्डर किया है जैसे रूम, तो सिंपली इसको कैंसिल करने के लिए इस पर करूँगा क्लिक। अब क्लिक करने के बाद प्राइस वाइज सारी चीज़ देखने के बाद और यहाँ पर ऊपर नाम आपका दिखेगा योर बुकिंग कंफर्म। ठीक है, कंफर्म हो चुका है, तब इसको हम कैंसिल करना चाहते हैं तो सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। तो आप यहाँ पर GST भी देख सकते हो, सेबो वगैरह वगैरह है, तो वो सब आपको नहीं देखना है, वो कैंसिल करना है। तो यहाँ पर कैंसिल बुकिंग पर करना है क्लिक, आपको फर्स्ट में मिल जाएगा कैंसिल बुकिंग। चलिए मैं करता हूँ यहाँ पर क्लिक। अब क्लिक करने के बाद आप देखिए पूछ रहा है कि आप क्यों कैंसिल करना चाहते हैं, उसका रीजन बताइए। तो बाई मिस्टेक कर सकते हैं, नॉट गुड फिट, यहाँ पर और भी कुछ कर सकते हैं, बुकिंग होटल सही नहीं है, या आप लोकेशन सही नहीं है वो चूज कर सकते हैं, या चेंजिंग प्लेस मतलब कि आपका कहीं दूसरा जगह सेटिंग मतलब सेटल होने का मन है वो कर सकते हैं, रीजन दे सकते हैं, रीजन आपको देना है, और बिकॉज यहाँ से कहीं और इसे प्रॉफिट मिल रहा है आपको, या बुकिंग माई न्यू ट्रैवल मतलब कि आप कहीं और जाना चाहते हैं, तो कोई भी आप कर सकते हैं। न्यू प्लेस मैंने सेलेक्ट कर दिया और कैंसिल पर कर देंगे क्लिक। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस लेगा बुकिंग के लिए, बुकिंग कैंसिल करने के लिए, सॉरी मैं बुकिंग कर रहा हूँ, कैंसिल करने के लिए थोड़ा समय लेगा। ओके, यहाँ पर कैंसिल कन्फर्म हो चुका है, और देखिए बैकअप टाइम यानी आप सॉरी बैक क्लिक हो गया, तो यहाँ पर बैकअप टाइम यहाँ पर अब आने लगा, मतलब कि आपका कैंसिल हो चुका है, कन्फर्मेशन एकदम क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो देखिए पहले यहाँ पर साइन था, प्राइस दिखाता था, बट अब कुछ नहीं क्योंकि आपका कैंसिल हो चुका है। ठीक है, ये देखिए योर योर बुकिंग कैंसिल कैंसिल यहाँ पर लिख रहा है, तो इसी तरह आप कैंसिल कर सकते हैं, बुक भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई, पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो बाय बाय, फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।